बिहार में चल रहे सियासी उठापटक के बीच अब एक बार फिर से दिल्ली से नरेंद्र मोदी का फरमान लेकर नीतीश कुमार के लिए बिहार आ चुके हैं मोदी कैबिनेट के मंत्री। पिछले दिनों लगातार जो एनडीए में सियासत चली है, इसको लेकर अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो बाकी लोग हैं बिहार कैबिनेट के, उनमें कई लोगों की छुट्टी कर सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पटना आगमन हुआ है और आगमन होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई है। चर्चा तो ये भी है कि अमित शाह पिछले दिनों जब बिहार आए थे तो कई बातों पर मुहर लगी थी, कई चीज़ों पर चर्चा हुई थी, लेकिन अंतिम फैसला दिल्ली में लिया जाना था, जिसको लेकर अमित शाह सारी फाइल दिल्ली लेकर पहुंचे और वहां जो बैठक हुई, बातचीत हुई, उसमें जो कुछ निकला है, अब धर्मेंद्र प्रधान लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहां पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहां सारी चीज़ों को बारी बारी से रखी जाएगी, लेकिन इसमें जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। एक तरफ जहां बिहार में कई ऐसे बिहार सरकार के मंत्री हैं जिनके कार्यकलाप से, क्रियाकलाप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुश नहीं हैं, चाहे वो जदयू कोटे से हो या भाजपा कोटे से हो, सभी लोगों की छुट्टी तय मानी जा रही है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अब बड़ा अपडेट आ रहा है और धर्मेंद्र प्रधान से उनकी मुलाकात सीएम हाउस में हुई है और इस मुलाकात के कई मायने लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने नीतीश कुमार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे मंत्री और कई ऐसे नेता हैं जिनकी छुट्टी की जा सकती है नीतीश कैबिनेट से। पिछले दिनों जो चुनाव हुए हैं, चाहे बात वो जहाँ उपचुनाव की करे या अन्य जगहों पर, राज्यसभा के भी एक जगह चुनाव होने वाले हैं अब, लेकिन इन सभी मसलों को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सब कुछ साफ कर दिया है। ऐसी स्थिति में चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, धर्मेंद्र प्रधान से मुख्यमंत्री की मुलाकात जिसमें पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर भी बड़ा फैसला किया जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री से मुलाकात के पीछे के मायने कैबिनेट से जुड़ी हुई तस्वीरें बताई जा रही हैं, लेकिन खास तौर पे जदयू और राजद के बीच अंतर्कलह और बाकी भाजपा जो जिस तरीके से क्रियाकलाप कर रही है बिहार में, खासतौर पर भाजपा के मंत्रियों का नीतीश कुमार पर एग्रेशन, ये तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं। नीतीश कुमार राजद के बीच नज़दीकियाँ बढ़ना, अब केंद्र सरकार ने कमान संभाला है और धर्मेंद्र प्रधान को बिहार भेजा है मामला सेट करने के लिए। आने वाले दिनों में पता चल पाएगा क्या कुछ बातें हुई हैं और बदलाव क्या देखने को मिलता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।